नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ताइवान के रक्षा मंत्री ने आसपास के क्षेत्रों में चीन की सैनिक गतिविधि के बढ़ने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ताइवान की सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि एक छोटी सी चिनकारी भी किसी बड़ी लड़ाई को भड़का सकती है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के रक्षा मंत्री चियो क्यू चेंग ने कहा कि हालात के बेकाबू होने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ समय से चीन ताइवान के आसपास के इलाके में युद्धपोत, ड्रोन और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है। हालांकि चीन की ये गतिविधियां युद्धाभ्यास के नाम पर की जा रही हैं। चीन का दावा है कि ताइवान उससे अलग हो गया प्रांत है और एक दिन वो उसे अपनी मुख्य भूमि में मिला लेगा, चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वेरेंस ने भारत में बिगड़ती अधिकारों की स्थिति को विशाल, व्यवस्थित और खतरनाक करार दिया है। 20 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी आयोग द्वारा भारत में धार्मिक आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए नीति विकल्पों पर आयोजित सुनवाई में अपनी शुरुआती टिप्पणी में डी वेरेंस ने कहा कि मुख्य रूप से धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य को निशाना बनाने वाले उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों के बड़े पैमाने और गंभीरता के कारण भारत दुनिया में अस्थिरता, अत्याचार और हिंसा पैदा करने वाले प्रमुख देशों में से एक बनने का जोखिम उठा रहा है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत या स्थानीय नहीं है, यह व्यवस्थित है और धार्मिक राष्ट्रवाद की परछाई है। अल्पसंख्यक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांडी वेरेंस ने कहा कि भारत में विशेष रूप से धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का लगातार और खतरनाक क्षरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरकार ने अल्पसंख्यक आवाज़ों को दबाना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि UAPA के तहत निगरानी, उत्पीड़न, संपत्ति के विध्वंस और हिरासत के माध्यम से अल्पसंख्यकों की आवाज़ और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाना जारी रखा हुआ है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति खराब हो गई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। हालांकि भारत ने USCIRF की रिपोर्टों को पक्षपाती और प्रेरित बताकर खारिज करता रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। गौरव गोगोई ने रिनकी शर्मा पर फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक शर्मा ने यह मुकदमा कामरूप मेट्रोपॉलिटन सिविल जज की अदालत में दर्ज करवाया है। 26 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाराणसी में आज एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से अधिक लोग बैठकर मैच देख पाएंगे। उन्होंने कहा, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने वाली है और जब मैचों की संख्या बढ़ेगी तो नए स्टेडियमों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तब बनारस का यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उस डिमांड को पूरा करेगा। ये पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। स्टेडियम के शिलान्यास के मौके पर सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ी मंच पर PM मोदी के साथ मौजूद थे। मणिपुर में आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं। 3 मई को भड़की हिंसा के बाद राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द करने की मांग भी की। इसके तहत भारत म्यांमार सीमा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग सीमा के 16 किलोमीटर भीतर तक बिना किसी कागजी जाँच के आ जा सकते हैं। मोबाइल सेवाएँ बहाल करने की जानकारी देते हुए बीरेन सिंह ने बताया, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और हेट स्पीच को रोकने के लिए 3 मई को इंटरनेट सेवाएँ बंद की गई थी। अब हालात सुधर रहे हैं। समूचे प्रदेश में आज से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। क्या कानून की सही प्रक्रिया के बिना किसी आरोपी को सजा देना कभी सही हो सकता है? कतई नहीं। कम से कम बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल तो यही मानते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून की सही प्रक्रिया की परवाह किए बिना तुरंत न्याय देने वाले एक हीरो कॉप की सिनेमाई छवि एक बहुत ही हानिकारक संदेश देती है। सिंघम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का जिक्र कर उन्होंने कहा, वो संदेश कितना खतरनाक है। जस्टिस पटेल ने कहा, फिल्मों में पुलिस न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई करती है जिन्हें विनम्र, डरपोक, मोटे चश्मे वाले और अक्सर बहुत खराब कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। वो अदालतों पर दोषियों को छोड़ देने का आरोप लगाते हैं। नायक पुलिस वाला अकेले ही न्याय कराता है। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सिंघम फिल्म में खासकर उसके आखिरी दृश्य में दिखाया गया है जहां पूरी पुलिस फोर्स
प्रकाश राज द्वारा निभाए गए राजनेता के खिलाफ उतर आती है और दिखाती है कि अब न्याय मिल गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या मिल गया है? सोचना चाहिए वो संदेश कितना खतरनाक है। ऐसी बेसब्री क्यों? इसे एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जहाँ हम निर्दोषता या अपराध का फैसला करते हैं। ये प्रक्रिया धीमी है, उन्हें होना ही होगा। मुख्य सिद्धांत के कारण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती थी, वो इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और भारत की जनता इन सब चीज़ों का समर्थन नहीं करती, तो वो महिला आरक्षण बिल ले आए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। राहुल ने कहा कि मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदार देना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वो अडानी से भी डरते हैं। बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। राहुल ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? बीजेपी के सांसद ने कहा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। मतलब ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें लेकिन गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी माताओं बहनों से पैसा छीनकर 2-3 उद्योगपतियों की जेब में पैसा डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की महिलाओं को 50 रुपये में गैस सिलेंडर दिलवाया है। अब चुनाव का समय है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप दो सवाल पूछिए, आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? अडानी को कितना फायदा पहुंचाया है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस सरकार आई तो तत्काल महिला आरक्षण देंगे। नई संसद भवन के लोकार्पण के समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, ये राष्ट्रपति का अपमान है। उन्हें आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया। इससे पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तो उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया क्योंकि वो अछूत मानते हैं। अछूत के आने से ये गंगा जल से जगह को धोते हैं। ये केवल कहने के दलित और आदिवासी को आगे करने की बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा हमारे खिलाफ एक नहीं 2-3 कैंडिडेट खड़ा करती है। एक तो भाजपा का प्रत्याशी होता है, एक ईडी होती है और एक सीबीआई या अन्य एजेंसी होती है। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार कांग्रेस ने दिया। हमने आज़ादी के बाद संविधान बनाया, मजदूर किसान छोटे व्यापारी से लेकर अमीर तक को हक कांग्रेस की वजह से मिला और ये लोग हमसे पूछते हैं आपने क्या किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। वो कनाडा और दूसरे पश्चिमी देशों में बैठकर भारत विरोधी बातें करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो इन दिनों अमेरिका में रह रहा है और वहीं से वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ नफरत और जहर उगल रहा है। पिछले दिनों ही कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी बातें कहते हुए उन्हें धमकी दी थी। NIA ने पन्नू की जिन संपत्तियों को पंजाब में जब्त किया है उसमें अमृतसर जिले के बाहरी इलाके में स्थित उसके पैतृक गाँव खानकोट में 46 कनाल की कृषि भूमि और चंडीगढ़ के सेक्टर 15C मौजूद उसका मकान शामिल है। NIA की इस जब्ती के साथ ही संपत्ति पर से अब पन्नू का अधिकार खत्म हो चुका है और ये संपत्तियां सरकार की संपत्ति घोषित कर दी गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, ये जयराम रमेश की एक दयनीय मानसिकता है जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं है। नड्डा ने लिखा, वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद का विरोध कर रही है। उन्होंने 1975 में कोशिश की जिसमें वो बुरी तरह से फेल साबित हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने नए संसद भवन में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर PM मोदी पर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि संसद का नाम मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट रखा जाना चाहिए। उन्होंने संसद की डिज़ाइन में कई खामियों का जिक्र कर दावा किया कि संसद के कर्मचारियों को काम करने में असुविधा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में सरकार बदलने के बाद नए संसद भवन के इस्तेमाल का बेहतर तरीका ढूंढा जाएगा। आज सोशल मीडिया पर रमेश बुधुड़ी जिंदाबाद ट्रेंड कराया जा रहा है। इसी के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में BSP सांसद दानिश अली के व्यवहार की आलोचना की है।
हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगी रमेश भिदौड़ी की सांप्रदायिक टिप्पणी की निंदा की, लेकिन साथ ही दानिश अली के आचरण की जांच की भी मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि लोकसभा की नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है। हालांकि उन्होंने भिदौड़ी के नफरती भाषण के बारे में ये नहीं कहा कि वो सजा के दायरे में आता है या नहीं। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब भिदौड़ी के मामले में विपक्ष के भारी विरोध के बीच भाजपा ने भिदौड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिनों के भीतर अपनी असंसदीय भाषा पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने अब भारत पर नए आरोप लगाए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि कनाडा ने भारत सरकार के साथ हफ्तों पहले विश्वसनीय आरोपों को साझा किया है। कनाडा ने आरोप तब लगाए हैं जब भारत ने लगातार कहा है कि कनाडा ने भारत के साथ कुछ भी ठोस खुफिया जानकारी साझा नहीं की। बता दें, निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा और भारत के बीच रिश्ते बद से बदतर होने पर यह सलाह दी गई कि आखिर इस मसले को दोनों देशों ने राजनयिक स्तर पर बातचीत से क्यों नहीं सुलझाया। कनाडा लगातार आरोप लगा रहा है कि इस मामले में भारत के साथ निज्जर की हत्या में कथित तौर पर भारतीय एजेंडों का हाथ रहा है। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने प्रतिक्रिया दी। ब्लिंकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका इस मामले में कनाडा के साथ बातचीत कर रहा है और चाहता है कि वह जांच को आगे बढ़ाए और भारत उसका सहयोग करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा के आरोपों को लेकर काफ़ी चिंतित है और इन्हें बहुत गंभीरता से लेता है। निज्जर हत्या मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री की ये पहली टिप्पणी है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 9 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा था कि इस मामले में अमेरिका भारत को कोई विशेष छूट नहीं देगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।